हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि निकाला है यूपीपीएससी से। और ये जो नोटिफिकेशन है, इसमें आप देखेंगे कि यूपी में जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पर जो है ऑलमोस्ट 1473 वैकेंसीज को निकाला गया है। और ये जो वैकेंसीज है, ये पूरी लेक्चरर वैकेंसीज है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको टाइप करना हो गूगल, गूगल पे आपको टाइप करना है यूपीपीएससी। जैसे आप यूपीपीएससी टाइप करेंगे तो आपको इस टाइप का जो यूपीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो इस टाइप से ओपन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं, आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए, आपको जो यूपीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, आपको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे दिखेगा ऑल नोटिफिकेशन और एडवर्टाइजमेंट, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी एडवर्टाइजमेंट हैं जो कि ऑनलाइन सबमिशन के लिए हैं वो सारे यहाँ पे आपको दिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये जो दिखा है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश परीक्षा, तो यहाँ पर देखिए जो है ये नोटिफिकेशन जो है बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश एग्जामिनेशन, और इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर A-3E-1 2020, और ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये आया है 22 दिसंबर, ठीक है। तो 22 दिसंबर को जो ये नोटिफिकेशन ये आया है, तो आप देख सकते हैं स्टार्ट डेट 22 दिसंबर है, और जो फी डिपॉजिशन की लास्ट डेट 18 जनवरी 2021 है, और फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट 22 जनवरी 2021 है। तो यहाँ पे आप यूजर इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करके जो है इंस्ट्रक्शन जो है वो देख सकते हैं, चाहे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का हो, चाहे आप जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसे कैसे डिटेल में भर सकते हैं, और जो कम्प्लीट प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन फॉर्म और डिटेल एप्लीकेशन का, तो आप जो है यो यहाँ पे देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन में जाके, ठीक है। इसके अलावा जो है आप अगर इसका जो डिटेल में कुछ और भी देखना चाहते हैं, जैसे कि आप जो है एडवर्टाइजमेंट देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आपको व्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हिंदी और इंग्लिश में पीडीएफ फाइल भी है और डॉक फाइल भी है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे जो है दिखा देता हूँ एडवर्टाइजमेंट। तो आपको क्लिक करना है क्लिक हियर फॉर इंग्लिश पीडीएफ फाइल। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो ओपन हो जाएगा, और ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये 11 पेजेस का है, ठीक है। तो ये एडवर्टाइजमेंट मैं आपको दिखा दूँ, 11 पेजेस का है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इन्होंने साफ साफ लाइक मेंशन कर रखा है कि लेक्चरर की पोजीशन को निकाला गया है यूपीपीएससी के द्वारा। अब ये जो लेक्चरर की पोजीशन ये डिवाइडेड मेल और फीमेल में, तो यहाँ पर जो वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी वो मेल की सेपरेट मिलेंगी, फीमेल की सेपरेट मिलेंगी। तो ये वैकेंसी जो है यहाँ पे जो सेपरेट हैं तो आप देख सकते हैं। अब देखिए, इन्होंने मेंशन कर रखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट 22 दिसंबर है, लास्ट डेट 18 जनवरी है फी डिपोजिशन की, और जो ऑनलाइन सबमिशन की लास्ट डेट 22 जनवरी 2021 है। तो मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बता देता हूँ इन सबके बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 स्टेज मेंशन कर रखी इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन को कंप्लीट करने की। पहली है अप्लाई रजिस्ट्रेशन करने की, उसके बाद जो आपको फी पेमेंट करना है, और थर्ड में जो है आपको यहाँ पे अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसे सबमिट कर देना है। यहाँ पे देखिए, आपका फी पेमेंट एप्लीकेशन जो है वो सबमिट तभी होगा जब आप जो है अपना जो फॉर्म है उसका फी पे करेंगे। तो फी पे करने के बाद ही जो है अपना सबमिशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, तो देखिए यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो है यहाँ पे 100 रुपीज़ जो एग्जामिनेशन फी मेंशन कर रखी है, साथ ही साथ जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग फी है वो 25 रुपीज़ है। तो यहाँ पे टोटल जो फी है वो 125 रुपीज़ है, ठीक है। इसके साथ अगर हम बात करें शेड्यूल का, जो शेड्यूल टाइप की, तो उनके लिए जो 65 रुपीज़ है वो एप्लीकेशन फ़ी है। जनरल ओबीसी के लिए मैंने आपके बता दिया 125 है, SC ST के लिए जो 65 रुपीज़ है, NDCAP के लिए 25 रुपीज़ है, और एक्स सर्विस मैन के लिए 65 रुपीज़ जो है वो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। अब हम बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की जो कि है वैकेंसीज। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 1473 है, ठीक है। आप देखिए यही 1473 जो वैकेंसीज है उसे डिवाइड कर दिया मेल और फीमेल में, ठीक है। तो 991 जो वैकेंसी जो मेल के लिए है और 482 वैकेंसी जो है फीमेल के लिए है। तो आप देख सकते हैं, आप देखिए मेल ब्रांच के लिए तो ऑलमोस्ट 15 सब्जेक्ट के लिए जो वैकेंसीज को निकाला गया है। तो अब मैं सब्जेक्ट में आपको बता देता हूँ, जैसे हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ संस्कृत इकोनॉमिक्स सिविक्स ज्योग्राफी हिस्ट्री सोशियोलॉजी एजुकेशन उर्दू कॉमर्स। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसी भी साथ में मेंशन कर रखा है, तो जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो बायोलॉजी के लिए है 137 वैकेंसीज है। तो आप देख सकते हैं, आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन है, जैसे OBC का रिजर्वेशन या SC ST का है, तो आपको यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो भी यहाँ पे दे रखी हैं। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी के लिए 55 जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 13 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, 37 OBC, 30 SC और 2 ST के लिए।
वहीं बात है फीमेल ब्रांच की, तो देखिए यहाँ पे फीमेल ब्रांच में भी ऑलमोस्ट 60 सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज को निकाला गया है, और यहाँ पे जो नंबर 482 है, यानी 482 वैकेंसीज फीमेल के लिए, और जो मेल्स के लिए वैकेंसी वो 991 है, तो टोटल 1473 वैकेंसीज को यहाँ पे निकाला गया है। ये बहुत ही ह्यूज वैकेंसीज हैं, जनरली इतनी वैकेंसी लेक्चरर के लिए नहीं निकाली जाती, लेकिन इस बार यूपीपीएससी ने बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज को निकाला है। ठीक है, इसके बाद आपको पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे पे स्केल जो आपको मिलेगा 93 टू 34,800 ग्रेड पे है, और ग्रेड पे यहाँ पे 4800 यहाँ पे मेंशन कर रखा है, और यहाँ पे लेवल 8 का जो है आपको यहाँ पे ग्रेड पे दिया जाएगा। ठीक है, वहीं यूपी यूपी के लिए जो है आपको यहाँ पे, अगर आप यूपी के एससी एसटी या ओबीसी बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे जो है रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो यहाँ पे मैंसन करेगी 21 ईयर से कम नहीं होना चाहिए और 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या सॉरी मैक्सिमम एज जो 55 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो है एज लिमिट भी मैंने आपको बता दी, और जो अपर एज लिमिट है वो 5 ईयर रिलैक्सेशन दिया जाएगा एस सी एस टी के लिए, और यूपी लाइक एस सी एस टी के लिए यूपी से अगर आप बिलोंग करते हैं, यूपी के एस सी एस टी हैं, तो आपको यहाँ पे 5 ईयर का जो है यहाँ पे रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे जो है आपको 3 ईयर्स का जो रिलैक्सेशन है वो ओबीसी के लिए दिया जाएगा। तो ये सब आप तो देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो देखिए अगर आप लेक्चरर बायोलॉजी के लिए अप्लाई करें तो आपका एमएससी जो है वो बॉटनी में होना चाहिए, जूलॉजी में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो पोस्ट है वो बायोलॉजी के लिए, ना कि बॉटनी या जूलॉजी के लिए। तो यहाँ पे जो है एक ही में बायोलॉजी में ही जो है अगर पोस्ट निकाली गई तो नंबर ऑफ नेम ऑफ पोस्ट उन्होंने बायोलॉजी मेंशन कर रखा है, लेकिन जिन्होंने अपना एमएससी बॉटनी से किया है या जूलॉजी से किया है तो वो लोग जो है इसके लिए भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, तो बॉटनी जूलॉजी वाले जो है इसका जो फॉर्म है वो इजिली डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई एलाइड सब्जेक्ट इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है। तो अगर आप बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री से हैं या माइक्रोबायोलॉजी से, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए। ऐसे और भी सब्जेक्ट का दे रखा है, देखिए संस्कृत वाणिज्य, तो आपको यहाँ पे देखिए मोस्टली जितने भी सब्जेक्ट है सबके लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से पढ़े उसके बाद ही फॉर्म को फिलअप करें। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मैंने आपका डिस्कस कर लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे कैंडिडेट सेगमेंट ऑलरेडी मैंने आपका डिस्कस कर लिया कि कैसे क्या करना है। अब हम स्क्रॉल डाउन करके कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। तो फोटोग्राफ जो है आपका 3.5 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और आपकी जो फोटो का साइज़ है वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है आप ज़रूर पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं फॉर्म को भरने के लिए। अगर आप कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लाइक बिलोंग करते तो आपको यहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट वो दे रखा है, तो आप ये जो है रिफ़र कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेबस की। तो चलिए सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो जनरल स्टडीज है, यानी कि जो पार्ट 1 है उसके लिए जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो यहाँ पे देखिए जो भी सब्जेक्ट मेंशन कर रखे हैं या हम बोल सकते जो भी टॉपिक मेंशन कर रखे हैं, तो ये जो है कॉमन रहेगा। तो ऑलमोस्ट आप कोई भी एग्जाम दें लेक्चरर का, चाहे आप बायोलॉजी में दें या फिजिक्स या केमिस्ट्री, चाहे सोशियोलॉजी इकोनॉमिक किसी में भी दें, तो आपका जो पार्ट A है वो कॉमन रहेगा। यानी कि ये जो सिलेबस इन्होंने दे रखा है 1 से 11 तक जो टॉपिक दे रखे हैं वो जो है कॉमन रहेंगे, वो सारे सब्जेक्ट जो है लाइक किसी भी सब्जेक्ट में आप एग्जाम दें सब में ये पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो आपका सेक्शन B रहेगा उसमें आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बॉटनी बायोलॉजी की, तो देखिए हम बात कर लेते हैं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में देखिए यहाँ पे बॉटनी जूलॉजी दोनों इंक्लूडेड है। अगर आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली सिलेबस भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो देखिए बॉटनी का सिलेबस मेंशन कर रखा है क्योंकि बायोलॉजी है, तो यहाँ बॉटनी जूलॉजी दोनों में से क्वेश्चन को पूछा जाएगा। तो बॉटनी का देखिए यहाँ पे टॉपिक दे रखे हैं तो आप ये पढ़ सकते हैं, साथ ही जूलॉजी भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है तो आप जूलॉजी भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बॉटनी जूलॉजी दोनों का यहाँ पे सिलेबस मेंशन कर रखा है। ऐसे ही करके जितने भी सब्जेक्ट्स है ऑलमोस्ट सबके लिए जो है यहाँ पे सिलेबस को मेंशन किया जा रखा है। तो आप सिलेबस देख सकते हैं, इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।